everyone, welcome back to Phi Coaching Institute. Today's topic is calculate the diagonals in a polygon. आपको इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं कि आपको डायगनल्स फाइंड करने हैं. आपके पास कोई भी शेप ड्रॉ करके आती है आपके पास, एंड आपको फाइंड क्या करने हैं उसके डायगनल्स. तो डायगनल्स को फाइंड करने में आपका बहुत सारा टाइम लगता है कि इनको कौन से वर्टेक्स को किसके कौन से वर्टेक्स के साथ हम लोग मैच करें कि उसका वो डायगनल बन जाए. तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता रही हूँ, एन एन माइनस थ्री अपॉन टू, वेयर योर एन इज, एन आपकी क्या रहेगी, ऑलवेज आपके साइड रहेगी. तो अभी हम क्वेश्चंस को डिटेल में करते हैं जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. लेट अस टेक द एग्जांपल. शेप हम लेते हैं जैसे एक ट्रायंगल की. हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया यहाँ पर. अब देखो ट्रायंगल में हमारे पास साइड्स कितनी है, थ्री साइड्स हैं, एंड इसके थ्री ही हमारे पास क्या है, वर्टेक्स ए बी सी. मैंने इसका नेम दे दिया. साइड्स यहाँ पर आपके पास कितनी है, थ्री. मींस आपका जो एन है वो कितना है, थ्री. जो हमने यहाँ पर क्या करनी है, वैल्यू को पुट करना है. आपका यहाँ पर एन अब क्या है, थ्री. थ्री पुट करेंगे, थ्री एन अगेन कितना है, थ्री माइनस थ्री अपॉन टू. थ्री सेम एज थ्री माइनस थ्री, ज़ीरो अपॉन टू. तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ज़ीरो. इट मीन्स जो हमारे पास शेप है ट्रायंगल की, इसमें हम कोई भी डायगनल को क्या नहीं कर सकते, ड्रॉ नहीं कर सकते, बिकॉज उसका डायगनल जो है वो हमारे पास क्या शो कर रहा है, ज़ीरो. नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं जिसके आपको और क्लियर होगा. हम डायगनल एक शेप लेते हैं क्वाड्रिलेटरल की. क्वाड्रिलेटरल में मैंने एक फिगर ड्रॉ किया लाइक दिस, एंड इसमें आपको साइड्स कितनी दिखाई दे रही हैं, इसकी साइड्स हैं हमारे पास फोर. मीन्स योर एन दैट इज़ इक्वल्स टू फोर. फोर की वैल्यू पुट करो, फोर फोर माइनस थ्री अपॉन टू. फोर फोर माइनस थ्री दैट इज़ इक्वल्स टू वन अपॉन टू. टू टू ज़र वन, टू टू ज़र फोर. तो इट मीन्स क्वाड्रिलेटरल के अंदर आप कितने डायगनल्स हो सकते हैं हमारे, टू. अभी आप देखो अगर हम ए को सी से ज्वाइन करते हैं तो ये इसका क्या है, डायगनल. डायगनल को ड्रॉ करने के लिए बेसिकली आपको माइंड में क्या रखना है, जैसे मैंने स्टार्ट किया यहाँ से ए पॉइंट से, ए से स्टार्ट किया, उसका जो नेक्स्ट नंबर है बी, मींस उसका जो नेक्स्ट वर्टेक्स है आपको उसको छोड़ देना है, नेक्स्ट वाले वर्टेक्स के साथ आप इसको क्या करोगे, मैच करोगे. अभी मैंने सी के साथ मैच किया, अभी मैं नेक्स्ट किस पे जाऊंगी, डी. डी को मुझे छोड़ देना है तो मैं कहाँ पे आ जाऊंगी, अब ए. तो हम किसको मैच कर सकते हैं, ए सी को मैच कर दो, चाहे आप सी ए को मैच कर दो, दैट इज़ द सेम थिंग. नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं लेट अस सपोज बी. बी से अगर मैंने स्टार्ट किया तो मैं किसको छोड़ दूंगी, यहाँ पर सी. सी वर्टेक्स को छोड़ा, नेक्स्ट वर्टेक्स मेरा क्या है, डी. तो आप बी एंड डी दोनों को क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो. तो इस फॉर्म में आप अपने डायगनल्स है क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो. तो इट मीन्स क्वाड्रिलेटरल के अंदर आप कितने डायगनल्स ड्रॉ कर सकते हैं, हम लोग टू डायगनल्स को ड्रॉ कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारी शेप है पेंटागन. पेंटागन में देखो कितनी साइड्स होती हैं हमारे पास, फाइव साइड्स होती हैं. इट मीन्स हम पेंटागन में कितने डायगनल्स ड्रॉ कर सकते हैं, एन की वैल्यू आप यहाँ पर क्या पुट करोगे, फाइव. फाइव माइनस थ्री अपॉन टू. फाइव फाइव माइनस थ्री दैट इज इक्वल्स टू टू. टू अपॉन टू, टू से टू कैंसल, फाइव. इट मीन्स पेंटागन के अंदर हम कितने डायगनल्स ड्रॉ कर सकते हैं, फाइव. ड्रॉ करते हैं, देखो ए से लेके सी तक हमारा क्या रहेगा, वन डायगनल. ए से लेके डी तक हमारा सेकेंड डायगनल. B एंड E को ज्वाइन करेंगे, इट्स द थर्ड डायगनल. C से लेके A तक आप ज्वाइन करोगे, इट्स योर फोर्थ डायगनल. एंड B से लेके D तक अगर हम ज्वाइन करेंगे, इट्स योर फिफ्थ डायगनल. हेक्सागन में हमारे पास कितनी साइड्स होती हैं, सिक्स साइड्स. हेप्टागन में कितनी साइड्स होती हैं, सेवन. नेक्स्ट इज ऑक्टागन, एट साइड्स. नेक्स्ट इज नॉनागन, मीन्स नाइन साइड्स. एंड डेकागन मीन्स 10 साइड्स. अब हमें इनके क्या फाइंड करने हैं, डायगनल्स. तो डायगनल्स को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे n पर. n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है, 6. मीन्स 6 माइनस 3 अपॉन 2. सॉल्व कर दो,
6 × 3/2. 3 3 3 are 9. इट मीन्स हेक्सागन में हम लोग कितने डायगनल्स ड्रॉ कर सकते हैं? 9 डायगनल्स. नेक्स्ट शेप है हमारे पास हेप्टागन. हेप्टागन में साइड्स कितनी है? 7. तो 7 वैल्यू यहाँ पर पुट करके हमारे पास सॉल्व करके वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 7 − 3/2. 7 × 4/2. 2 2 are 4. 7 2 are 14. इट मीन्स हम कितने डायगनल्स ड्रॉ कर सकते हैं इसके? 14 डायगनल्स. नेक्स्ट इज 8 8 8 − 3/2. 8 × 8 − 3. 5/2. 4 पे कैंसिल. 5 4 are 20. तो यहाँ पर हमारे पास कितने डायगनल्स होंगे ऑक्टागन में? 20 डायगनल्स. नेक्स्ट इज 9 9 − 3/2. 9 × 9 − 3. 6/2. 3 9 3 are 27. तो 27 हमारे पास डायगनल्स किसके होंगे? नोनागन के. नेक्स्ट इज डेकागन. डेकागन में हमें एन की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 10 10 − 3/2. 10 × 7/2. 5 7 5 are 35. तो इट मीन्स डेकागन में हमारे पास कितने डायगनल्स हो सकते हैं? 35 डायगनल्स. अगर आप डायगनल्स को एक दूसरे के साथ मैच करने में लगे रहोगे तो आपके एक तो चांसेस हैं मिस्टेक होने के, बट अगर आपको ये वाला फार्मूला लर्न है तो आप उसके अंदर वैल्यूज पुट कर सकते हो और अपने डायगनल्स को क्या कर सकते हो? फाइंड कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो. तो आई थिंक सबको ये वाला मैथड क्लियर होगा, हाउ वी कैन कैलकुलेट द डायगनल्स इन ए पॉलीगन. If you like my video, please share it with the students. And अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, then please subscribe my channel to get my latest videos. Thank you everyone.